हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम लोग एक करजत में फिर एक बार अवीज विलेज करके, आपको पता होगा, मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया अवीज विलेज का वीडियो करो, रिव्यू करो भाई, हमको चाहिए। आपने बोला, मुझे सुनना पड़ा, मैं आ गया हूँ। एक 70 किलोमीटर्स फ्रॉम थाने रहने वाला है, स्टेशन नियर बाय करजत, करजत स्टेशन से 15 मिनट्स, शेयरिंग ऑटो, प्राइवेट ऑटो जो भी आपको मिल जाएगा, प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हो, ईजी रूट है, लोकेशन मैप पर डालोगे, यहाँ पे पहुँच जाओगे। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, फैमिली फ्रेंड्स, इनफैक्ट कपल के कुछ 10 कॉटेजेस है, काफ़ी सारे, मतलब बहुत लोग स्टे कर सकते हैं। इनफैक्ट स्विमिंग पूल भी 2 होने वाले, स्पेशियस है, काफ़ी एक बड़ा से जगह में कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने, कार पार्किंग वगैरह सब कुछ होने वाला है। पूरा वीडियो ज़रूर देख लो, पूरे स्टेज आप देख लो, क्योंकि फिर आपको बाद में डाउट होता है। मैंने रेट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो या मुझे इंस्टा पे DM कर लो, हमारी टीम वहाँ पे कंटिन्यू आपको आंसर कर रही है, ठीक है। चलो ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम में आपको बुफे लगेंगे, पूरा बुफे में आपको चॉइस रहेगा, जैसे कि मिसल पाव है, मटकी मिसल है, मिसल में नहीं खा रहा हूँ मैं, भुर्जी पाव खा रहा हूँ। एक्चुअली अभी हम लोग आए, तो मैंने सोचा कि नाश्ता लगा ही है तो मैं आपको दिखा भी दूँ और खा भी लेते थोड़ा, ठीक है। चलो पाव भी रहेगा आपको, पाव मिसल पाव, कांदा वगैरह, नींबू जो भी चाहिए रहेगा, सब कुछ आ जाएगा। आपका स्टे पार्ट, पहले मैं आपको डिलक्स कॉटेज बता देता हूँ। टोटल वैसे 4 टाइप के आपके स्टेज होने वाले यहाँ पे, एक एक सब दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी मैं आपको फिलहाल डिलक्स जो कॉटेज है वो दिखा देता हूँ, आ जाओ। ये देखो, एक स्पेशियस बेड है, ठीक है, यहाँ पे 2-3 लोग आराम से सो सकते हैं, यहाँ पे सोफा है, 4 लोगों का कम्फर्टेबल अकोमोडेशन होने वाला है, विथ AC है, मस्त शेप में आपके कॉटेज, लाइट्स वगैरह, गुड एम्बियंस होने वाला है, थोड़ा सा व्यू है आपको यहाँ से, जो आप चाहे तो खोल के यहाँ पे पीछे बैठ भी सकते हो, ठीक है। वॉशरूम चेक कर लेते, प्रॉपर नीट एंड क्लीन इंग्लिश वॉशरूम होने वाला है, विद बेसिन, गीजर, सब कुछ होने वाला है अंदर, ओके। मोटर वगैरह, टॉयलेटरी जो भी रहेगा वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिलक्स कॉटेजेस अंदर से काफी स्पेशियस एक बेड होने वाला है आपको, 2 या 3 लोगों के लिए, यहाँ पे एक सोफा, यहाँ पे एक जन सो सकता है, ठीक है, काफी स्पेशियस। 4 लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, बेस्ट है आपको 4 लोगों के स्टे के लिए, कंफर्टेबली आप स्टे कर सकते हो, ठीक है। फ्रिज होने वाला है, ड्रेसिंग टेबल, कुछ सामान रखना है आपको, आपके सामान रखने के लिए जगह, फिर आपके एक्स्ट्रा मैट्रेसेस प्रोवाइड हो जाएंगे अगर आप एक्स्ट्रा लोग हो। AC है, काफी अच्छा एम्बियंस है, लाइट्स है, TV होने वाला है, एंड वॉशरूम चेक कर लेते हैं। ये वॉशरूम है, इंग्लिश विथ बेसिन, गीजर, सब टॉयलेटरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बेस्ट 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 है। ये सारे आपने देखे, जो ये कपल कॉटेजेस होने वाले हैं, ऐसे 10 कॉटेजेस है, ठीक है। तो मैं एक कॉटेज आपको अंदर से दिखा देता हूँ, सब सेम है, ऐसे थोड़ा ऊपर चढ़ के आओगे, यहाँ पे बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बाहर ही, आप यहाँ पे स्टूल टेबल डाल के बैठ सकते हो। ये देखो, काफी स्पेशियस कपल के लिए आपको, इनफैक्ट 3 लोग भी, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी आ जाएगा, तो 3 लोग भी आप, अगर 3-3 के छोटा फैमिली है तो भी आप रह सकते हो यहाँ पे। AC कॉटेजेस होने वाले, फैन, फिर आपका एक्स्ट्रा मैट्रेस, सामान रखने के लिए जगह, और ये वॉशरूम चेक कर लेते हैं, आ जाओ। इंग्लिश होने वाला है, बेसिन, यहाँ पे आपका ये वॉशरूम, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे गीजर वगैरह है, बात करने के लिए प्रॉपर सेक्शन बनाया हो, तो परफेक्ट कपल कॉटेज, छोटा सा, कॉम्पैक्ट, छोटा भी नहीं है, स्पेशियस ही है, बेस्ट है।
हेलो, तो स्विमिंग पूल पार्ट यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि दो स्विमिंग पूल होने वाले, उसमें से ये एक है। यहाँ पे आपको पूरा एडल्ट सेक्शन है, पूरा यहाँ पे आप एक 15-20-25 पीपल आराम से अकोमोडेट करके एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे किड सेक्शन है, किड सेक्शन के पीछे आपको रेन डांस मिलेगा, ठीक है। तो शाम के टाइम पे यहाँ पे म्यूज़िक साइड में म्यूज़िक चलता है, तो आप शाम के टाइम पे ड्रिंक वगैरह करके डांस वगैरह आपका जो भी पार्टी है आप बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। देख लो, हेलो, तो ये डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स में ऊपर नीचे सेम, नीचे 8 लोगों का कैपेसिटी है, सेम ऊपर 8 लोगों का कैपेसिटी है, ओके। देख लो आप, डबल डबल बेड 4 दिए हुए हैं, ये 1-2 एसी, यहाँ पे भी है बार, फैन है, ओके। फ्रिज आपका प्राइवेट, आपके बियर्स वगैरह जो भी रखना है आपको दबा के रखो, दबा के पियो। ये यहाँ पे भी है 2 बेड, जैसे मैंने आपको बताया था। तो 8 लोगों का ऑन बेड कैपेसिटी है, अगर आप 10 वगैरह 2 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा, तो मैट्रेस डाल के ये सोफे में भी एक सो सकते हैं, तो 12 लोग तो इजीली ही रह सकते हैं यहाँ पे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये वॉशरूम, 2 वॉशरूम है, एक ये वाला है, ओके। गीजर वगैरह, इंग्लिश प्रॉपर टॉयलेटरी सब कुछ प्रोवाइड होगा आपको, ओके, आ जाओ। और एक बाहर की तरफ से 2 वॉशरूम है, मतलब नीचे जो 8 लोगों का आपका स्टे का है उसमें उसमें आपको 2 वॉशरूम मिल रहे हैं, और ये है काफी स्पेशियस। तो 8-10 लोग हैं, आपको ऐसा कुछ कंजेस्टेड या फिर वॉशरूम के लिए कुछ भारी गड़बड़ी नहीं है, स्पेशियस 2 वॉशरूम दिए, ठीक है। सेम ऐसा ऊपर भी है, मैं ऊपर का भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, आ जाओ मेरे साथ। साइड है, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया 8-10 लोगों का अकोमोडेशन, ऊपर भी है, ये 2 डबल बेड, ये सोफा कम बेड है, इसको आप खींच के बड़ा, तो यहाँ पे भी आराम से 8 लोग रह सकते हैं, 8 से ज्यादा भी, बट मैं कंफर्टेबल अकोमोडेशन 8 बोल रहा हूँ। तो आपका अगर ऐसा 10-20 का बड़ा ग्रुप है, 20 लोगों का, तो ऊपर नीचे आपको आपके फैमिली के लिए एक सेपरेट स्टे का वो लोग दे देंगे। यहाँ पे भी चेक कर लो, एसी हो गए, फैन है 3, आपको सामान रखने के लिए 2 वॉशरूम है, ओके। सेम वहां पे भी चेक कर लो, हे गाइस, तो स्टोन विला की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारे स्टे ऑप्शन है, तो उसमें से एक ऑप्शन आपका ये स्टोन का है, ये भी काफी बड़ा है, अंदर से आप देख सकते हो 8 लोगों का स्लीपिंग ऑन बेड कैपेसिटी है, 1-2, और ये सोफा का बेड, इसको खींच के आप बेड बना सकते हो, तो 8 लोग आराम से सो सकते हैं, काफी स्पेशियस है। एसी है, हर रूम में एसी होने वाला है, फैन स्पेशियस, 2-3 फैन हो गए आपके रूम में, ओके। बैठने के लिए वगैरह भी जगह है, दिन के टाइम में वॉशरूम देख लो, वॉशरूम काफी स्पेशियस वॉशरूम होने वाला है, इंग्लिश है, गीजर वगैरह, बेसिन सब कुछ। अगेन, स्टोन विला का छोटा पार्ट जिसमें आप 6 लोग रह सकते हो, ये देखो काफी स्पेशियस है, ऐसे भी 6 बोल रहा हूँ मैं, रहने को 8 भी रह सकते हो, बट आई एम टेलिंग अबाउट कंफर्टेबल अकोमोडेशन। तो 2 डबल बेड, 1 सोफा कम बेड आप खींच के लगा सकते हो, एसी, फैंस, रेफ्रिजरेटर, हर रूम में आपको फ्रिज मिलेगा स्टोरेज के लिए, ओके। ये आपको कवर्ड कुछ रखना वगैरह हो, वॉशरूम एरिया काफी स्पेशियस है, ओके, टॉयलेट्स एंड एवरीथिंग। और ऐसा ही सेम रूम 6 लोगों का साइड में भी है, तो 6 या 7-8 लोगों का ग्रुप रहेगा ना, तो आपको ये रूम दिया जाएगा, ओके। तो ये सेकेंड वाला स्विमिंग पूल है, जैसे मैंने आपको बताया 2 स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे आपके जो स्टोन विला के साइड के स्विमिंग पूल है ये है, यहाँ पे आराम से आप 15-20-25 लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, किड सेक्शन भी होने वाला है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, और सीटिंग अरेंजमेंट एंड रेन डांस भी है यहाँ पे। एक और टाइप का स्टे जहाँ पे आप लोग 6 लोग आराम से रह सकते हो, 2 डबल बेड, इसमें भी काफी स्पेशियस है, एक्स्ट्रा मैट्रेस भी आ जाएगा आपको, एसी, फैन,
ट्यूबलाइट, जैसे मैंने बताया फ्रिज, आपको हर रूम में फ्रिज मिलेगा, ओके। और वॉशरूम, स्पेशियस वॉशरूम, गीजर विद टॉयलेटरीज एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। बहुत ही स्पेशियस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकड़ में ये उन्होंने रिजॉर्ट कंस्ट्रक्ट किया है। आप देखो कि जगह जगह पे झूला लगा है, यहाँ पे ओपन गार्डन एंड लॉन बहुत सारा है। मतलब आप बॉक्स क्रिकेट वगैरह बोलोगे ना तो ग्रुप बाय ग्रुप, अगर तीन चार ग्रुप भी आते तो अपना अपना खेल सकते, इतना ज़्यादा जगह है। कार पार्किंग वगैरह के लिए स्पेशियस एम्पल जगह होने वाला है, झूला वगैरह लगा है। बैठने के लिए भी आपको शाम के टाइम पे ड्रिंक वगैरह करना है तो ऐसे नहीं एक ही जगह पे कुछ है ऐसा, आप आपका खुद का फैमिली खुद का ऐसा अलग से एंजॉय करो अलग से बैठ के। बहुत जगह है, काफ़ी जगह है, एक बार चेक कर लो। इंडोर गेम सेक्शन, टेबल टेनिस से लेके कैरम, इवन इनफैक्ट पूल टेबल होने वाला है यहाँ पे, ओके। आप एक बार चेक कर लो, सब इन गुड कंडीशन है, ठीक है। आप आ रहे हो साथ में फ्रेंड्स के साथ, खेलो थोड़ा, डांस करो, आगे लोग खेलो, सब कुछ है। टेबल टेनिस के शौकीन हो, टेबल टेनिस खेलो, कैरम तो हम सब खेलते ही है, और मैं थोड़ा बहुत पूल खेलता हूँ। देखिए, हेलो, सो दिस इज ऑल्सो डाइनिंग एरिया, इंडोर का है। आउटडोर में तो काफ़ी जगह है बैठने के लिए, आपको मैंने दिखा दिया है। इंडोर में भी आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे बूफे लगता है, ब्रेकफास्ट से लेके लंच, आपका डिनर जो भी है पूरा बूफे लगेगा। फैंस वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा, शाम के टाइम में लाइट वगैरह, एम्बियंस, साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं। देख लो, सो लंच टाइम गाइस, काफ़ी अच्छा आपको बुफे में मेन्यू सब होगा। यहाँ पे पूरा कांदा सलाद वगैरह आपका, मैं पहले आपको सब दिखा देता हूँ एक बार। इसमें आपका भाकरी, मेरे को भाकरी पसंद है, चपाती से ज़्यादा मैं भाकरी प्रेफर करता हूँ। इसमें चपाती है, ओके, तो दोनों चॉइस होगा आपको। भिंडी का सब्जी है वेज में, और ये पनीर का एक सब्जी है वेज में, आपको ऑप्शन वेज में। राइस गर्म है, दाल, जलेबी, वाव, चिकन में, ये ग्रेवी में आपको, ओके। तो चिकन में आपका ऑप्शन एक है, और आप वीकडेज में आया हो, मैं वीकडेज में आया हूँ शूट करने, फिर भी इतने सारे ऑप्शन उन्होंने दिए, वीकेंड में आपका और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देख लिया आपने एक बार, चलो मैं अभी खाना खाता हूँ, बाय। तो डन इट गाइस, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हम लोग को मिल गया है करजत में, जो कि 70 किलोमीटर्स फ्रॉम थाने होने वाला है, ओके। प्राइवेट कार्स आप आ सकते हो आराम से, कार पार्किंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। ट्रेन से आ रहे हो तो करजत स्टेशन नियर बाय होगा आपको, और आपको ऑटोज वगैरह शेयरिंग वगैरह स्टेशन से आपको मिल जाएगा 15 मिनट्स फ्रॉम करजत स्टेशन पकड़ लो। बाकी रेट्स और वो सब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, आई गेस कुछ 150 का टोटल अकोमोडेशन है, पर ऐसा कुछ कंजेशन नहीं, क्योंकि स्विमिंग पूल भी दो है, जो लॉन एरिया, गार्डन, सब सीटिंग एरिया वो काफ़ी बड़ा है। तो मतलब ऐसा 150 लोग आएंगे तो भी ऐसा भरा हुआ नहीं लगेगा, तो काफ़ी स्पेशियस है। तो रेस्टोरेंट भी, जैसे एक इनसाइड क्लोज वाला रेस्टोरेंट है, या फिर बाहर भी बैठ सकते हो, तो सब तरीका का चॉइस है आपको। वुडन कॉटेजेस जो मैंने कपल के लिए वुडन कॉटेजेस दिखाए, फैमिली के लिए डिलक्स रूम दिखाए, बड़े फैमिलीज के लिए मैंने विलास दिखाए, फिर स्टोन करके, काफ़ी वैरायटी भी काफ़ी है रूम्स की, और स्पेशियस है रूम्स भी। आप देखोगे ना तो 8-8 लोगों के लिए भी रूम्स काफ़ी स्पेशियस है, मतलब जहाँ पे 10-12 लोग रह सकते हैं वहाँ पे वो लोग सिर्फ 8 लोग रहे, तो एक स्टेइंग का एक आपका कंफर्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एक बेस्ट ऑप्शन मैं बोल सकता हूँ आपको मिल गया है, जैसे आपने मुझे बताया था कि अविस विला पे भाई वीडियो बनाओ, मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख लो एक बार, मेरी तरफ से बेस्ट रिजॉर्ट। खाना वगैरह भी, टेस्ट वगैरह भी, इट इज़ गुड, ओके। बाकी कुछ भी डाउट होगा वीडियो के बाद, अगर कुछ डाउट आ रहा है आपके मन में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो, या तो मुझे DM कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे भी, हमारी टीम कंटिन्यूसली आपको आंसर कर रही है, ओके। मुझे लाइक करो, हम लोग को शेयर करो, सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करें आपके लिए, और बहुत सारे अभी ऑप्शन आगे भी लेके आ रहे हैं। अभी तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बारिश में ऐसा जल्दी मिलता नहीं है कुछ, तो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक अच्छे अच्छे ऑप्शन आप तक लाने के लिए, नए ऑप्शन और गुड ऑप्शन। ऐसे नहीं कि रिजॉर्ट करना है तो हम लोग ने कोई भी करके आपको
देखते हैं पहला कैसा है क्या नहीं, और फिर उसके बाद हम लोग आपके आपके पास तक ला रहे हैं वो चीज़। ठीक है, शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम दिल से इंडियन।